एक इस बात की बना ना तलक रखने वाला बंदा जानना है और पिछाने किसी माड़े बैकग्राउंड विच के आज मैं मौजूद हाँ दरगाह हजरत माई तोती साहिबा और हर बंदा ये जानना है चरणे का आई जो जित ये ऐसा किस अपने उत्सव मेरा सुराग मौजूद है इतना सब सुलता मौजूद है और ये सामने उत्सव तक सकने इस मस्जिद का नाम इतना अगर दसना अगर उस टाइम लिमिटेड तुम आशने हो तो लंगर जो इतना तकसीम किया जा सी माशाला और आज तुम विजिट करवाने लंगर खाना जो इतना जो इतने सुपरवाइजर है मतलब पूरे पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान शहर बल्कि कराची तक फैमिलियां मिलियां और पंजाब तो बिलखसूस ज्यादा आने ठीक है लेकिन तीसरे दूसरे जो सूबे उतु भी बंदे आने ठीक है गया मिकी बहुत असा अंदर गए हैं और अंदर मिजार में अंदर तो उठा एक सुराख नजर आया असें उसने बारे क्या हकीकत है वो अगर तुम्हें दसी हो उसने है कि जिस वक्त 1931 माई साहबा ने विसाल होया जी जी उस वक्त माई साहबा जो कब्र बनाई गई ठीक तो उस वक्त जो सुबह देखा तो कब्र की एक शगाफ पे ऐसे सच्चाई असमदीन साहब उन्होंने खा भी चाहे कि माई साहब ने उस 23-24 मार्च की बनाया और 7 दिन निज़ाम चलना रहना बस हर रोज़ ऐसा तक चलना ऐसी चटुआ है जना माई साहबा ने अपनी ज़ाहरी जिंदगी च अपने हाथ में बनाया से जाने मुख्तलिफ बीमारियां बुलाने जो माई साहबा नस्बत होनी है तो अल्लाह ताला शफा देना है ठीक है लोकेशन क्या है मतलब अगर रावलपिंडी वाली शहर तू आने तो बारास्ता कोटली आ सकने डायरेक्ट खुरटनियाँ भी गड्डिया हुई अगर मेरे पंजाब वाली शहर तो उन्हें तो बारास्ता चुरोई और इस शहर का नाम ही इस दरबार ने नस्बत नाल जुड़े हैं इस शहर का नाम जड़ा ना वैसे इलाका पूरा बनली है बनली चावना है चूंकि वादिया बना विच एक बहुत बड़ा एक साड़ा साढ़े को एक हिस्टोरिकल प्लेस है बहुत दूर दूर तो बंदे इसने इन भाई होर ने बकोल भी कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शहर थ्रू इतना इसने और ज़्यादा रश कड़े दिहाड़ा है या कड़े मौके पर होना रश वैसे जुमरात इतवार और जुमे की ज़्यादा होना है लेडी साल है सिर्फ लेडीज ही असं बिठाने जी जी तो बाकी असन कमरे अगर कोई फैमिली तकी सकने जी भाई कैमरा मान सारे कमरे फैमिली कट्ठे बैठना चाहिए तो भी असल कमरे के सिया बन बेशुमार लोग आने इस्तेफादा हासिल करने तो बार अपने दोस्त लै जाने ठीक है ठीक है बहुत शुक्रिया जी तुम टाइम दिता है अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करना जी सारे भैन भ्रा दोस्त यार ठीक हो सो माड़ा ना आया आदिल इकबाल और तुसा तकने पे और लाला जी भी लोग आज मैं जिस जगह पर मौजूद हाँ ये तकरीबन हर एक इस वादिये बना ना तलक रखने वाला बंदा जानना है और पिछाने किसी माड़े बैकग्राउंड विच के आज मैं मौजूद हाँ दरगाह हजरत माई तोती साहिबा ठीक है दरबार है जी उसने पर आज मौजूद हाँ सलाम करने आए हैं और नाल तुसा की विजिट करवा सा आपू भी चलो असा इतना लोकल हाँ और असा इसने जाने रहने अच्छा की विजिट करवाने नाल ठीक है अस जुले हैं जी अंदर ए मेन एंट्रेंस है ठीक है और अंदर जड़ा है ना अस जुलसा दुआ भी मंगसा और आई जो तुसा की नाल विजिट करवाने टूर गए यार मोहब्बतों वाले ते ले गए नाल ही हासे दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद हुण जाइए केड़े पासे सैया नाल मैं खेड़न गई या टूट गईया मेरिया वंगा बाकी भी असा इतना अंदर मौजूद हाँ
और शायद इतना मुनासिब नहीं थी गल करना, लेकिन जी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो दसनी दसना जरूरी है कि इसने बिच एक सुराख मौजूद और हर बंदा जानना इतना रहने का। आई जो जी थोड़ा जूम कर विजिट करो पुरानी वाले पास ये तक ही सकने उसका सुराख मौजूद है इतना रोण गे गलिया दयाना ते उसके बाद चलो बादशाह की विजिट करवाने हो बाकी है मस्जिद है जिथे जामिया मस्जिद है और काफी बड़ी स्पेस है इसलिए तक ही सकने उसका अगर थोड़े ऊपर आई जो उतना भी इतना जुम्मा होना ईद होनी ये मस्जिद ना आता है जी और ये जड़ी वाइट कलर नहीं नजर अच्छी भी बिल्डिंग है नवी बनती है पहले नहीं सी होनी और इसकी थोड़ा ही अच्छा होया एक कमरा मौजूद नहीं था तक सकने दरबार ने आते बिच मरांगे नाल तेरे आज यो ना भी बाजियां हारियां ने करवाने ने माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंजर है मार्बल लगे है मस्जिद इस टाइम बंद है असर ना टाइम है लेकिन यह है कि जड़ा नवा इन्हें बिल्ड किया है तक सकते हो अच्छा बहुत ही खूबसूरत और बड़ा पुरसकून जगह है डोर खुली है अगर अंदर कैमरा मारना चाहे ये वजू करने की जड़ी जगह जी पंछी उड़ गए मार उड़ारिया ने अली हैदर बाथरूम वगैरह सब सहूलतें मौजूद है और ये सामने तो तक सकने हो एक टाइम में बेशुमार बंदे वजू कर सकने और अपनी नमाज अदा कर सकने लेफ्ट साइड जड़ा है टोलटन सहूलत मौजूद है लेडीज वाशरूम और मर्दाना दोए इतना है चूंकि काफ़ी दूर तो जड़े ना विजिटर लोग पहुँचने और विजिट भी करने इस मस्जिद का नाम इतना अगर दसना दसी सकने मस्जिद आयशा दरबार में तो साहिबा इस मस्जिद का ना आया ठीक है तख्ती लगी है और यकीन करो कि बड़े दूर दूर तो जड़े लोग हैं इस अकीदतमंद जड़े पहुँचने और विजिट करने सलाम सुखने और अपना जड़ा ना इतना अच्छी तरह जरूर हो जड़ा नाजरी देने उन सौ की विजिट करवाने थले आई जो थले जुलने उन्हें यार मुहम्मद हुन जाइए केड़े पासे सैया नाल मैं खेड़न गईया बाकी जनाब लंगर खाना भी इतना मौजूद है और इतना लंगर भी चलना है अपने इन्होंने टाइम रखे या टाइमिंग रखी है अगर उस टाइम लिमिट तुस आशने हो तो तुम्हें लंगर जड़ा वो तो तकसीम किया जा सी माशाल्लाह और आज तो तुम्हें विजिट करवाने हैं लंगर खाना जड़ा इतना तू की वे मंगा कई लुक लुक रोण गे कई बुक बुक रोण गे बाकी से असा उन मसे तुम्हें की दसिया लंगर खाना भी और दरबार ना भी विजिट करवाया मस्जिद ना भी करवाया तो हूँ असा मुलाकात करने गए एक भाई और जो इतने ने सुपरवाइजर है ठीक है मलिक साहब है अपने और इन्होंने तारुफ भी करने हैं और ये मजीद दसा कि जड़ा ना इंफॉर्मेशन और मालूम दसन इस दरबार ने दरगाह ने बारे में अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम क्या हाल है मलिक साहब ठीक हो मलिक रियाज साहब सुना ना आया और ये सुपरवाइजर है माशाल्लाह महकमा औकाफ की तरफ इस दरबार ने दरगाह ने मस्जिद ने कितने अरसे थे ड्यूटी सर अंजाम देने पे जनाब मैं वैसे 10 साल तो हो गए ना सर उसके देता है तो तकरीबन 1.5 साल हो गया ठीक हो गया यानी कि बाओ के असा इतना आए हैं खैर असा तो लोकल रहने ले हैं लेकिन असा बेहतर जानने हो सो कि दूर दराज तो लोग असने हो सो इतना तकरीबन पाकिस्तान भर तो अपने लोग मतलब पूरे पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान शहर निकल के कराची तक फैमिलियाँ थे मिलियां और पंजाब तो बिल्कुल रूस ज़्यादा आने ठीक है लेकिन दूसरे जो सूबे तो उतु भी बंदे आवना ठीक है गया मिकी बहुत असा अंदर गए हैं
और अंदर मज़ार में अंदर तो था एक सुराख नज़र आया सही, उसने बारे क्या हकीकत है वो अगर उसने रस्सी और उसने आया कि जिस वक्त 1931 में माई साहबा ने विसाल होया जी जी उस वक्त माई साहबा जो कब्र बनाई गई ठीक तो उस वक्त जो सुबह देखा तो कब्र की एक शगाफ पे ऐसे सही है तो फिर उन्होंने दोबारा उसकी रिपेयर किया फिर शगाफ पे आ रहा थी बल्कि त्रै दिन इसरा नमल होया ठीक है तीसरा दिन माई साहब जो बुजुर्ग सन गदीन शिंद साई असमदीन साहब उन्होंने ख्वाब ही चाहे कि मेरी दुनिया ने आवाज बंद ना करो उस बाद सुराख रखा गया ठीक हो गया। चलो ये भी सन तकने लिए उन्होंने की मालूमात में इजाफा हो गया तो बाकी में दसोगे तो उर्स मुबारक भी होना जी हर साल माई साहब ने उर्स 23-24 मार्च भी होना है 23-24 मार्च जी हर साल काफ़ी तादाद बंद बेशुमार होना है इस दफा चूंकि रमजान शरीफ की वजह ना जरासी ने 18-19 मार्च की होया ठीक है आइंदा जरा आने वाला है वह तकरीबन रमजान 23-24 मार्च को पहले दिसना पाया क्योंकि रमजान जरा ना मजीद 10 दिन पहले आई जैसी ठीक हो गया बड़ी बाकी लोग इतना अपने बकरे वगैरह भी देने अच्छी तरह हर तरह का चढ़ावा बनाया बकरे हमने गला बनाया मुर्गा बनाया ठीक है और तुसा उन्हें की मुड़ी तजबा करने हो और लंगर खाने भी तकसीम करने बाजे लोग जबा भी करने हैं बाजे सारी देने ना सोनों पर चीज जारी करने हैं लंगर खाने नहीं टाइमिंग क्या है मतलब लंगर असली लंगर तकरीबन 11:30 तो बाद शुरू करने हैं ठीक है इतवार और जुमरात के साथ फुल डे होना है फुल डे चलना रहना बाकी दिन जाना 4 बजे तक जाना लंगर असना चलना है जबरदस्त और 7 दिन निजाम चलना रहना बस हर रोज ऐसा तक चलना है ठीक इतवार और जुमरात की चावल होने बाकी दिन दाल रोटी ठीक हो गया चलो जी ये जनाब मलिक साहब सन और इतना सुपरवाइजर ना अपना एक ड्यूटी सर अंजाम देने पे तो मुलाकात की थी इन्होंने तो चलो मजीद असा की बाकी एरिया ना चलो भाई और कैमरा मारने आई जाओ जी उधर बाकी जी असा इतना चूंकि पानी की सहूलत भी मौजूद है इसने थोड़ा सा फायदा मिलना असा की और शफा भी दसने इसने बिच थकी सकने इसने बारे भी असा मलिक साहब की पूछने और उस तो बाद इन्हें की दिए आखने दिया वगैरह इसने बारे भी तो मैं दसो कि पानिया नहीं क्या है इसने खसूसियत है असल में जो गोल है ना इसी चट्टुआ है जना माई साहबा ने अपनी जाहरी जिंदगी अपने हाथ में बनाया सी माशाल्लाह बेशुमार जो माई साहबा चूंकि मजबूत सन बेशुमार लोग आने सन जो कोई प्रॉब्लम दसने सन कोई बीमारी कोई बुखार है चंबल दर इस तरह तो माई साहबा कहने सन जा तू पानी पीते ला भी कोड़ जैसी बीमारी की भी अल्लाह पाक ने माई साहबा ने नस्बत नाल बड़ी शफा है बहुत शफा है बहुत दूर तक पानी लोग बिल्कुल यह गल है जी असा खुद भी पीता पानी तो वो जो तेल वगैरह उतर जावा तेल भी बस क्योंकि माई साहबा नाल नस्बत है तो लोग आने दिया बत्ती भी करने और तेल भी लाने मुख्तलिफ बीमारियां भी लाने जो तो माई साहबा नस्बत होनी है तो अल्लाह ताला शफा देना है ठीक हो गया तो वो भी तुम्हें इस्तेमाल करने ठीक हो गया बाकी तो पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है जी कोई इशू नहीं अगर तुम दूर दराज पहुँचने विजिट करने इस्लाम करने तो ये लोकेशन क्या है मतलब खुरटा रोड पर है अगर रावलपिंडी वाली शहर तू आने तो बरस्ता कोटली आ सकने डायरेक्ट खुरटे दी भी गड्डिया होंगे अगर मेरे पंजाब वाली शहर तू आने तो बरस्ता चुरोई और इस शहर का नाम ही इस दरबार ने निस्बत नाल जुड़े है इस शहर का नाम जड़ा ना वैसे इलाका पूरा बनली है बनली के आना है तो चूंकि शहर जड़ा ना पूरे ना वैसे भी कोई बंदा आवे ना तो दरबार बना भी आवे खरीदने वास्तव तो वही कहना मैं मायतोती दरबार चले बिल्कुल चूंकि शहर का ना ही मायतोती दरबार है ठीक हो गया जी वैसे वादिया बना विच एक बहुत बड़ा एक साढ़े को एक हिस्टोरिकल प्लेस है बहुत दूर दूर तू बंदे इन्होंने भाई और बकोल भी कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शहर थ्रू इतने और ज्यादा रश कड़े दिहाड़ा है या कड़े मौके पर होना रश वैसे जुमरात इतवार और जुमे के ज्यादा होना है ठीक है फीमेल्स भी इसने बेशुमार बेशुमार बच्चे भी बच्चे मुकम्मल फैमिली आम दिया बेशुमार ठीक है और उनके लंगर थ्रू भी जड़ा ना लंगर असा चूंकि पहले देखी हो लेडी हाल है सिर्फ लेडीज ही अस बिठाने जी जी बाकी असन कमरे जिते अगर कोई फैमिली तकी सकने जी भाई कैमरा मान सारे कमरे फैमिली कट्ठे बैठना चाहनी है तभी असल कमरे दस बन ठीक है वैसे क्योंकि चार नंबर जरा ना मर्दाना कम गाए असन ते ए जरा है अच्छा ये दरख्त जरा लगा हुआ ये कोई फलदार दरख्त लगना ये अंजीर ना दरख्त है अंजीर ना दरख्त जी जी
माशाल्लाह इसलिए मौसम है इन्हें नहीं जी जा मौसम है इस वक्त बेशुमार लोग आने इस्तेफादा हासिल करने तबरक ने टूर को ले जाने ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया जी तुम टाइम दिता गपशप हुई है और असाने नॉलेज और असा की जड़ा है तकसन उन्होंने नॉलेज भी इजाफा हो सी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है जी। तुम हूँ असा इजाजत दियो असा विजिट करवाया तुम की मिलने हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपने चैनल के तकने रहो लाला जी व्लॉग्स ठीक है अल्लाह हाफिज। माँ होंदी ते होर चुना दी बाप तू किवें मंगा कई लुक लुक रोण गे कई बुक बुक रोण गे कई लुक लुक रोण गे कई बुक बुक रोण गे गलियां दयां माँ होंदी ते होर चुना दी बाप तू किवें मंगा कई लुक लुक रोण गे कई बुक बुक रोण गे कई लुक लुक रोण गे कई बुक बुक रोण गे माँ होंदी ते और चुना दी बाप तू किवें मंगा कई लुक लुक रोण गे कई जमाना मैनू रोवेगा।